ये चाहे कि तेरा नजारा करो, हर घड़ी बस तुझे ही निहारा करो, हर घड़ी बस तुझे ही निहारा करो। है तमन्ना मेरी ये की शाम सहे, है तमन्ना मेरी ये की शाम सहे, तेरे साए में मैं भी गुजारा करो, तेरे साए में मैं भी गुजारा करो। कोई पूछे जो जग में है जन्नत कहा, 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 तेरी जानिब ही मैं इशारा करो। गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, गुंबद खजरा। मैदान खिताबत में कदम रखते हैं और शाहजहांपुर की सरजमी से चलकर इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए नौजवान आलिम दीन खतीब ज़ी-वक़ार हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब, मुदर्रिस मदरसा दारुस सालिहीन शाहजहांपुर व ऑर्गेनाइज़र जमीयत उलमा ज़िला शाहजहांपुर। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाएँ और अपने खिताब से तमाम सामाइन को महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शीराज़ा बंदी है, किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शीराज़ा बंदी है, कि शाखे हाशमी करने को है फिर बर्ग बर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोह गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा। नवा पैरा हो ऐ बुलबुल की हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा हो ऐ बुलबुल की हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमाई कराम, मुअज्जज सामईन इदाम, सबसे पहले तो मैं तारीफ करता हूँ उस मालिक अर्ज़ो समा की, कि जिसने इस सारी की सारी कायनात को बनाया। उसके बाद दुरूद व सलाम नाजिल हो हम और आपके प्यारे नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर, कि जिन्होंने इस दुनिया में तशरीफ लाकर हम और आपको सच्चाई का रास्ता दिखाया, जन्नत में ले जाने वाला रास्ता बतलाया।
अजीजाने गिरामी, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। बगौर समाज फरमाए इस यकीन और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप सभी हजरात और हम सब उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हाजरीन गिरामी, मैंने आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पढ़ी है, उसी के तनाजुर में चंद मअरूज़ात आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। याद कीजिए उस दौर को कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे, हजरात सहाबे किराम की एक जम्मे गफीर जमात मौजूद थी। सहाबे किराम के सामने बड़ी बड़ी परेशानियां आती, बड़े बड़े मसाइल आते, आप अपने मसाइलों को हल कराने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मसाइल को हल करते, उनको बतलाते कि आपके मसले का हल ये है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम को मुखातब करके फरमाया कि जब तक मैं इस दुनिया के अंदर मौजूद हूँ, तुम मेरे सामने आते हो, अपने मसाइल को लेकर के आते हो, अपनी परेशानियां बतलाते हो, मैं तुम्हारे उन मसाइल का हल बताता हूँ, तुम्हारी उन परेशानियों का हल निकालता हूँ, लेकिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जहां से तुम अपने मसाइल को हल करोगे, जहां से तुम अपनी परेशानियों का हल तलाश करोगे? मेरे अजीजों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं इस दुनिया से चला तो जाऊंगा लेकिन तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीजों को छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रखोगे, जब तक तुम इन दोनों चीजों पर मुकम्मल अमल करते रहोगे और जब तक तुम इन दोनों चीजों के साथ अपने आप को वाबस्ता रखोगे, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक तुम्हें कोई भी शख्स परेशान नहीं कर सकता, तुम्हारी कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जो हल ना हो सके, तुम्हारा कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिस मसले को हल ना किया जा सके, कोई भी बातिल ताकतें तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। शर्त यह है कि इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रखना, और वो दो चीजें क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद को मजबूती के साथ पकड़े रखना, कुरान मजीद के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करते रहना, कुरान मजीद के सामने अपने मसाइल को रखते रहना। जब भी तुम्हारी जिंदगियों में कोई मसला खड़ा हो जाए, जब तुम्हारी जिंदगियों में कोई तूफान बरपा हो जाए, जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए कि तुम्हें उसका हल न मिल रहा हो, तुम इन उलमा इकराम के दरबार में हाजिर होना और इन उलमा इकराम से पूछना कि कुरान मुकद्दस की रोशनी में मुझे इस मसले का हल बताइए। मुझे यकीन है कि उलमा इकराम आपकी रहनुमाई फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि इस जलसे के उन्वान के तहत सबसे पहले आपको अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल करदा किताब कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगियों में शामिल करना होगा। कैसे करेंगे शामिल? उसके लिए ये बैठे हैं हाफिज साहब और हाफिज शादाब साहब, इन हजरात ने आपके यहाँ, इन दो नगीनों ने आपके यहाँ एक मदरसा कायम किया है। इन मदरसों में अपने बच्चों को तालीम दिलाइए और इस मदरसे के जरिए आप अपने बच्चों को दीनी तालीम, कुरान मजीद की तालीम दिला करके उस कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लीजिए और आप अपने आप को इस ताल्लुक से वाबस्ता कर लीजिए। और दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि मेरी सुन्नत, जब तुम्हें कोई मसला कुरान के अंदर न
मिले। जब तुम्हारी परेशानियां हल कुरान के जरिए न हो रही हो तो फिर मेरी सुन्नत और मेरे तरीके पर अमल करना, मेरे तरीके को खंगालना, उसे ढूंढना, मेरी पूरी जिंदगी के ऊपर नजर डालना, देखना तुम्हें हर हाल में उस मसले का और उस परेशानी का हल मिल जाएगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, इन दो चीजों को, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका और उनकी जिंदगी के तमाम आमाल व अफ़ाल, उनको अपनी जिंदगियों में मजबूती के साथ, पुख्तगी के साथ, यकीन के साथ, एतमाद के साथ शामिल करना है, ताकि आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी एक बेहतरीन नमूना हो और बेहतरीन आइडियल हो और हमारे सामने कभी भी कोई परेशानी ना आ सके। मैं आप तमाम हजरात से ये चाहता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हजरात इन दो रत्नों को और इन दो नगीनों की हिफाजत कीजिए और इनका भरपूर तआवुन कीजिए और इनके पैरों को, इनके हाथों को मजबूत कीजिए और दीन इस्लाम की तालीमात को आम कीजिए और अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वा आखिर दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।